नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं, दो ईवी वेरिएंट आए हैं, जैसे कि नेक्सन की ईवी आती है, वैसे ही तीसरी गाड़ी एमजी ने निकाली अपनी ईवी। पहले थी जेड एस ईवी, फिर आई छोटा सा डब्बा कॉमेट, और अब इन्होंने निकाली एमजी की विंडसर। तो विंडसर का मुकाबला हम करके देखते हैं नेक्सन ईवी से, चाहे प्राइस हो, साइज हो, डायमेंशन हो, पावर हो, हर तरीके से बात करके देखेंगे और लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं कौन सी गाड़ी हमारे लिए बेहतर रहेगी, या जो ये दिखावा किया जा रहा है 9,99,000 की गाड़ी निकाली है तो क्या वाकई सही है या दिखावे की वाकई में ये बात है, कुछ तथ्य भी है इन बातों में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बताता हूं आपको मेन हाईलाइट्स क्या है दोनों गाड़ी की। अगर बात करें तो पहली हाईलाइट दोस्तों है कि मैं मुकाबला कर रहा हूं दोनों गाड़ियों का, हालांकि कीमत पट्टेली देखा जाए तो सस्ती नजर आती है देखने में विंडसर की, लेकिन विंडसर काफी बड़ी गाड़ी देखने में लगती है इससे नेक्सन ईवी से। और नेक्सन की जो ईवी लॉन्ग रेंज वाली गाड़ी है उसकी अगर पावर, टॉर्क और रेंज सब कुछ देखे तो फिर भी विंडसर से ज्यादा ही हमें नजर आती है। अगर देखें विंडसर का, तो विंडसर के अभी बेस मॉडल का आजकल ट्रेंड बन गया है, पता नहीं यार क्या है ये लोग करते हैं कि पहले बेस मॉडल के प्राइस बता दो फिर बाद में धमाका करेंगे बाकी जो वेरिएंट है उनके। मैं बाकी वेरिएंट की बात भी नहीं करूंगा, बेस ट्रिम की बात की, बेस ट्रिम की ही बात करेंगे। 9,99,000 रुपए इसकी कीमत रखी गई है। आगे चले तो जैसे बताया तीसरी एसयूवी है इनकी, तो मुकाबला नेक्सन से करने वाली सिर्फ यही एसयूवी है, क्योंकि पहले वाली बहुत छोटी गाड़ी है, दूसरी वाली गाड़ी काफी महंगी गाड़ी है जेड एसयूवी, कॉमेट काफी छोटी है, तो इनका मुकाबला नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जिक्र योग्य बात यह है कि इसका भी मुकाबला क्यों हो पा रहा है, क्योंकि सिर्फ वजह है इसकी एक्स शोरूम कीमत, जिसके अंदर की बैटरी इंक्लूड नहीं है। बैटरी इंक्लूड करने के लिए आपको 3.5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करना करेगा। एमजी वाले वो बैटरी आपको देंगे, जनरल बैटरी देंगे, और 1500 किलोमीटर कम से कम बैटरी वो चलनी चाहिए एक महीने के अंदर। और ये पहले ऑनर यानी फर्स्ट ऑनर के लिए गाड़ी के लिए ही ये वैलिड है। अगर आप ये सोचो कि यार आपने गाड़ी किसी और से खरीद ली विंडसर और फिर आप वो गाड़ी को चला रहे हो तो आपको ये वाली फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। इसमें चार्जिंग के जो कॉस्टिंग है वो अलग रहेगी, बाकी बैटरी का जो रखा हुआ खर्चा वो सिर्फ एमजी की तरफ से रहेगा। तो 3.5 रुपए किलोमीटर अलग से आपको देने पड़ेंगे जब आप बैटरी को बीच में लगाते हो तब गाड़ी चलेगी। तो ये 9,99,000 सिर्फ उस चीज के हैं जो आपको खाली एक फ्रेम दे दी और बैटरी वाली कार दे दी, पर बैटरी नहीं है उसके अंदर। नेक्सन के अंदर सारा कुछ कंप्लीट करके दिया जाता है। तो देखते हैं क्या चीज है। पहले बहुत दोस्तों में बात कर रहे हैं साइज की, डायमेंशंस की, क्योंकि डायमेंशन भी मैटर करता है। जैसे मैंने बताया कि गाड़ी बड़ी है, ये कितनी बड़ी है वो देखते हैं। लेंथ की बात करता हूं पहले, विंडसर 4295 यानी कि सब 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है ये, और नेक्सन ईवी है 3994 जो कि सीधा सीधा 301 mm कम गाड़ी है, जो कि काफी बड़ा डिफरेंस हो जाता है जब इस गाड़ी के साइज की जो कंपेरिजन कर रहे तो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। विड्थ की बात करें 2126 है विंडसर की, और नेक्सन की 1811 है, जो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, 315 mm का डिफरेंस काफी मैटर करता है। अगर चलो हाइट की बात करें 1677 विंडसर है और 1616 61 mm का फर्क लेके विंडसर बड़ी गाड़ी हमें नजर आती है नेक्सन से। व्हील बेस की बात करो तो 2700 mm का है विंडसर का और 2498 का है नेक्सन ईवी का, तो 202 mm का डिफरेंस यहां भी हमें नजर आ रहा है। 604 लीटर का बड़ा बूट स्पेस लेके विंडसर चलती है, जबकि 350 लीटर का बूट स्पेस नेक्सन के पास है, जो कि 254 लीटर कम है विंडसर से। अब यहाँ पे डायमेंशन की अगर मैं बात देखो तो यहाँ पे एमपीवी की लुक देके चलती है गाड़ी विंडसर, जो कि सीयूवी कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल खुद ही बोलते हैं इस गाड़ी को। फ्रंट की जो डिजाइन है थोड़ा अलग है, देखने में ठीक ठाक लगता है, मेरे को कोई ज्यादा पसंद नहीं आया डिजाइन, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन साइड प्रोफाइल देखें तो क्लियरली ये गाड़ी एमपीवी ही लगेगी आपको, ये एसयूवी कहीं किसी जगह से नहीं लगती, एमपीवी जैसी ही गाड़ी बनाई गई है, लंबी सी गाड़ी जो कि साइड में ज्यादा बड़े कोई लंबे कट कर्व्स नहीं दिए गए, सिंपल गाड़ी को रखा गया। तो ये सारी सिंपल अगर गाड़ी जाए तो एमपीवी ही गिनी जाएगी ये, तो ये गाड़ी एमपीवी सेगमेंट की है, चाहे उसको ये सीयूवी नाम दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए नेक्सन की तरफ तो ये नेक्सन जो रेगुलर आइस वेरिएंट्स आते हैं उसके ऊपर बेस्ड है, तो ये मिनी एसयूवी का जो कैटेगरी आजकल चली है उसके अंदर इसको काउंट करते हैं, तो ये एसयूवी का स्टांस जरूर लेके चलती है, थोड़ी ऊंची, थोड़ी कॉम्पैक्ट और थोड़े ब्रॉडर सी फील वाली ये गाड़ी हमें देखने को मिलती है। तो नेक्सन एक ईवी का स्टांस लेके चलती है, एसयूवी ईवी का स्टांस लेके चलती है। तो यहाँ पर प्रोफाइल की बात करें तो सारी टोटली डिफरेंट है दोनों गाड़ियों की। अब देखते हैं दोस्तों स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है दोनों गाड़ियों की। स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो
पहले पावर की बात करते हैं इंजन की, तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज दोनों है नेक्सन के अंदर। नोट किया जाने वाली बात यह है कि जो विंडसर है उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का बैटरी पैक रखा गया और एक ही पावर है। तो वो अगर मैं बात करूं पहले लॉन्ग रेंज वाले की बात करूं, क्योंकि बड़ी गाड़ी है तो लॉन्ग रेंज वाले सी बात पहले की जाएगी। विंडसर की पहले बात करता हूं, फिर नेक्सन ईवी लॉन्ग रेंज की बात करता हूं। यहां देखते हैं तो बैटरी कैपेसिटी 38 किलोवाट की है। अगर नेक्सन बड़ी वाली की बात करो 40.5 यानी कि 2.5 किलोवाट बड़ी बैटरी मिलती है नेक्सन के अंदर। पावर की बात की 134 बीएचपी विंडसर है, नेक्सन 147 है, यहां पर 9 बीएचपी पावर कम जनरेट हो रही है। टॉक की बात करो 200 एनएम की टॉक जनरेट होती है विंडसर के अंदर, नेक्सन के अंदर 215 यानी कि 15 एनएम ज्यादा टॉक हमें मिलती है। क्लेम रेंज की अगर बात करें तो यहां पर 313 किलोमीटर की क्लेम रेंज है, विंडसर वाले बोल रहे हैं यहां पे 390 किलोमीटर की क्लेम रेंज दी जाती है लॉन्ग रेंज वाली नेक्सन के अंदर, जो कि 60 किलोमीटर ज्यादा है। बाकी चार्जिंग के जो किलोवाट है या चार्जिंग की जो पावर है, चार्जिंग को कितना टाइम लगेगा, तकरीबन एक ही जैसे ही दोनों गाड़ी में, ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, जो मीडियम रेंज वाली गाड़ी है नेक्सन ईवी उसके साथ अगर कंपैरिजन करके देखा जाए तो फिर वही आ जाता है 38 किलोवाट की बैटरी विंडसर, यहाँ पे 30 किलोवाट यानी कि 8 किलोवाट की बैटरी ज्यादा बड़ी है विंडसर के अंदर। अगर पावर की बात की जाए तो 127 से 127 बीएचपी की पावर नेक्सन जो मीडियम रेंज करती है, तो 7 बीएचपी पावर ज्यादा जनरेट करती है विंडसर। टॉप की बात करी जाए तो यहाँ पे टॉप सेम ही है, 15 एम ज्यादा टॉप है, क्योंकि मीडियम और लॉन्ग रेंज दोनों के अंदर टॉप सेम ही है, बस रेंज का फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे 275 किलोमीटर रेंज क्लेम की जाती है मीडियम रेंज वाली नेक्सन के अंदर, जबकि विंडसर के अंदर 331 की रेंज है, जो 56 किलोमीटर ज्यादा क्लेम्ड रेंज है। बाकी चार्जिंग का जो सिस्टम है वो वैसा ही है, इतनी ही देर लगती है, इतनी क्षमता है, और जो चार्जर वो भी वैसे ही तकरीबन मिलता ही, कुछ ज्यादा फर्क नहीं देखा जा सकता। तो अगर विंडसर की तरफ देखा जाए, ये जो मैंने आपको पावर बताई एमजी की विंडसर देखा जाए, तो इन्होंने बिल्कुल सिंपल चीजों को रखा है, ज्यादा हौच नहीं किया कि मीडियम रेंज लो रेंज और उससे बड़ी रेंज लॉन्ग रेंज, तो इन चीजों को नहीं देखा गया, सिर्फ एक ही तरीके का इसके अंदर पावर ट्रेन रखा गया, जो कि अगर देखा जाए तो जो नेक्सन की मीडियम और लॉन्ग रेंज दोनों है, दोनों के मीडियम में कहीं जाकर बैठती है, लॉन्ग रेंज में जाएगा तो थोड़ी सी ज्यादा पावर मिल जाएगी या रेंज ज्यादा मिल जाएगी, और अगर आप मीडियम रेंज वाली नेक्सन से जाते हैं तो वहां पर आपको थोड़ी सी कम पावर मिल जाएगी या कम रेंज मिल जाएगी, बस यही इतना फर्क है। तो यहाँ पे तो जो रेंज भी दिखाई जा रही है वो आजकल जैसे इन्होंने कहा था क्लेम्ड, आजकल क्लेम्ड वाला चल रहा है, आजकल मिक्स इंडियन ड्राइविंग साइकिल MIDC को यहाँ पे चेक किया जाता है, तो यहाँ पे विंडसर का अभी तक ऐसा कोई चेक नहीं हो पाया। नेक्सन के पास खासियत है दोस्तों टॉक की, जो 215 एनएम की है, दोनों तरीके से चाहे बड़ी या छोटी कोई भी रेंज वाली गाड़ी है तो 215 एनएम की टॉक ज्यादा हमारे पास जनरेट हो रही है, तो ये यहाँ पे लेके ज्यादा चलती है। हाँ, बड़ी वाली लॉन्ग रेंज गाड़ी है तो ज्यादा रेंज उसकी मिलती जाती है, लेकिन विंडसर के अंदर बीएचपी की पावर ज्यादा मिल जाती है, यहाँ पे ये ज्यादा मिक्स की हुई यानी कि मीडियम सी रेंज में बैठी है, ना कि ना ज्यादा पावर ना ज्यादा कम रेंज, तो यहाँ पे ये गाड़ी हमें फिट बैठती दिखती है, तो यहाँ पे कोई खास फर्क हमें देखने को नहीं मिलता। अगर देखें फीचर्स की तरफ तो एमजी की जो विंडसर आई है उसको देखें तो यहाँ पे बड़े हाईटेक से फीचर नए जमाने के पेश किए गए, 15.6 इंच का बहुत बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 8.8 इंच का MID जिसके अंदर काफी अच्छी तरीके डिस्प्ले आपको नजर आती है, 6-way एडजस्टेबल पावर एडाप्टर हाई ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो डिमिंग आयर विंग, लेदर अपहोल्स्ट्री, 3D कैमरा, कनेक्टेड कार टेक और 256 तरीके की एम्बिएंट लाइट, इन्फिनिटी का ऑडियो सिस्टम मिलता है, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट के साथ हमें पूरी ग्लास पैनोरमिक सनरूफ भी मिल पाती है। विंडसर ने अपनी जो टॉप की जो इसका टॉप मॉडल है टॉप वेरिएंट है उसको बहुत अच्छी तरीके से लोड किया है, जिसमें कि 15.6 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम खास तौर पर जिक्र योग बन जाता है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसके अलावा विंडसर के अंदर जो स्टैंडर्ड की सेफ्टी किट या बाकी जो फीचर है उसके अंदर देखिए ऑल LED लाइटिंग मिल जाएगी, 135 डिग्री तक रिक्लाइन करने वाली रियर बैक रेस्ट है, कीलेस एंट्री और गो, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, ABS, ESP, हिल असिस्ट, डिसेंट कंट्रोल और उसके साथ ऑटो हेडलैम्प के साथ वाइपर भी हमें एज अ स्टैंडर्ड सभी वेरियंट में मिल जाएगा, चाहे 9.99 लाख रुपए जो इन्होंने वेरियंट निकाला है चाहे वो ले लें। 135 डिग्री की रिक्लाइन सीट वाली जो इसके अंदर जो नई चीज है वो इसकी USP बन सकती है, ताकि पीछे आरामदायक चाहिए, क्योंकि पीछे जगह भी बहुत है तो आरामदायक एक सफर बन जाता है इसके साथ पिछली सीट पर बैठना, ये जो कि ऑल वेरिएंट्स के अंदर दे रही है, जिक्र योग्य बात बन जाती है। यहाँ पे कंपैरिजन अगर नेक्सन किया जाए ईवी का तो यहाँ पे वो भी बहुत अच्छी सी चीजें हमारे पास लेके आती है, साथ साथ इसको अपडेट भी किया गया कई बार, 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 10.25 का MID मिल जाता है, JBL का बेहतरीन साउंड सिस्टम, 360 साउंड कैमरा, लेदर अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटो हेडलैम्प्स एंड वाइपर्स, एयर प्योरीफायर
और सनरूफ टॉप मॉडल के अंदर इसमें मिल जाती है हमें। स्टैंडर्ड फीचर के अंदर देखें तो 6 एयरबैग्स, ESP, रिवर्स कैमरा, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस गो एंड कनेक्टेड कार टच, ये सब कुछ हमें एज अ स्टैंडर्ड इस गाड़ी के अंदर मिलता है। टाटा ने अपनी गाड़ी को काफी अपडेट कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी जो विंडसर आई उससे थोड़ा सा पीछे है ये फीचर्स के मामले में। अब देखते हैं दोस्तों प्राइस की बात। मैंने जैसे विंडसर के बारे में आपको बताया 9.99 लाख रुपए की बात की जा रही है कि ये गाड़ी हमारे पास आई है, लेकिन उसके ऊपर के जो वेरिएंट है उनकी इन्होंने कीमत का अभी तक तो खुलासा नहीं किया है। तो अगर कोई पर्सन अगर ऊपर के वेरिएंट लेता है उसको क्या कीमत देनी पड़ेगी, या मैं चाहूं कि अगर कोई ऑप्शन है, या मैं चाहूं कि विंडसर तो मैंने लेनी है लेकिन ये 3.5 यानी कि 3.5 रुपए किलोमीटर वाला झंझट मैंने नहीं पालना, मेरे को बैटरी ही दे दो, इंक्लूडिंग बैटरी आपकी क्या कॉस्ट बनती है, वो भी इन्होंने नहीं बताया। अगर दूसरी साइड पे देखें नेक्सन ईवी की तरफ देखें, शुरुआती कीमत 12,50,000 के करीब बनती है और 16,30,000 तक टॉप ट्रिम है इसका, जो लॉन्ग रेंजर की बात कर रहा हूं। अगर एक्स्ट्रा बैटरी पैक मैं नेक्सन की ही बात कर लेता हूं, एक्स्ट्रा बैटरी पैक अगर इसमें डलवाते हैं, 7 साल की 8 साल गारंटी वैसे देते हैं ये, लेकिन एक्स्ट्रा बैटरी पैक की भी बात करूं तो यहां पे 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की इसकी बैटरी है। डिपेंड करता है आपका मॉडल और रेंज के ऊपर गाड़ी की कौन सा वेरिएंट आपने लिया था। विंडसर के अंदर ये चीज इंक्लूड नहीं है, चलो हम 2.5 लाख रुपए ही लेके चलते हैं कि 2.5 लाख का कम से कम इसका बैटरी पैक होगा, तो 10 लाख रुपए प्लस 2.5 लाख 12.5 लाख के करीब तो यही कीमत आ गई। उसके बाद ऊपर से जो कीमतें होंगी वो अलग से होंगी, अभी इन्होंने बताया नहीं इस बारे में। मेरे हिसाब से दोस्तों जो 3.5 रुपए पर किलोमीटर वाली बात कर रहे हैं और 1500 किलोमीटर लाजमी है गाड़ी आपकी चलनी चाहिए एक महीने के अंदर, तो वो चीज की कंडीशन साथ में रखी गई है। सेकेंड ऑनर जब कोई पर्सन है तो उसको उसके पास ये चीजें वैलिड नहीं होगी। हाँ हालांकि है लाइफ टाइम की वारंटी, तो मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाए तो अभी दोनों में से गाड़ी चूज करना थोड़ा डाइसी डील लग रहा है मेरे को अभी के लिए। मेरे हिसाब से 3 या 4 महीने इसको देखना चाहिए कि कौन सी गाड़ी, नेक्सन ईवी की तो छोड़ दो, नेक्सन ईवी काफी देर से चल रही है, उसके साथ बैटरी पैक भी ऑनर भी आप खुद ही हो, तो आपको 8 साल बाद इसके ऊपर आपको 2.5 से 5 लाख जो एक्स्ट्रा खर्चना पड़ रहा है वो बात अलग है। हाल फिलहाल के लिए दोस्तों 10 लाख रुपए देके 3.5 रुपए पर किलोमीटर और 1500 किलोमीटर का आपको पर ही मिलने की कंडीशन रखी गई है, तब आप बैटरी ले सकते हो, बाकी चार्जिंग जो खर्चा वो तो अलग से है ही। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसको 2-2.5 महीने अभी देखना चाहिए कि ये जो इन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल निकाला है उसको क्या निश्चय निकलता है, क्या उसके चलता है, और जो अगर मैं बैटरी पैक लेना चाहूँ साथ में इसके इंक्लूडिंग सब कुछ, तो ये गाड़ी मेरे को कितने की पड़ेगी। ये 2.5 लाख का मैं अंदाजा देकर बता रहा हूँ नेक्सन के हिसाब से। मेरे हिसाब से एनजी का बैटरी पैक ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा महंगा होगा, ये मैंने मीडियम रेंज की बात की, लॉन्ग रेंज वाली तो 5 लाख रुपए बैटरी है। तो बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, मेरा निष्कर्ष क्या लगा कि वाकई इस बार गाड़ी के बारे में सोचना चाहिए या भी होल्ड कर लेना चाहिए, सोचिए और कमेंट में मेरे को जवाब दीजिए इस चीज का। तब तक के लिए दोस्तों सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।